आपने अक्सर सुना होगा कि टैप खुली मत छोड़ो, सेव वाटर। लेकिन अगर ये पानी वेस्ट हो रहा है तो ये कहाँ जा रहा है और ये वेस्ट कैसे हो रहा है, क्योंकि अर्थ में तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर हमेशा सेम ही रहती है। तो देखो, पानी कभी भी खत्म नहीं होता, चाहे आप उसे पी रहे हो, उससे नहा रहे हो या फिर उसे वेस्ट कर रहे हो। वो इवापोरेट होके क्लाउड फॉर्मेशन में बदल जाता है। फिर भी मैक्सिमम अमाउंट वेस्ट हुआ पानी या तो गंदा हो जाता है या ओशन में मिल जाता है, जिसकी वजह से आप उसे नहीं पी सकते। फैक्ट नंबर 2, अगर आपको कभी वर्ल्ड टूर करना है तो कितना खर्चा लगेगा और कितना समय लगेगा? सबसे सस्ते की बात करें तो प्लेन टिकट में आपको करीब 2.5 लाख रुपए तक लग जाएंगे। अब रहने के लिए होटल भी चाहिए तो उसका किराया महंगे शहरों में कम से कम 10,000 रुपए पर नाइट और सस्ते शहरों में कम से कम 1,000 रुपए पर नाइट। खाने पीने का खर्चा अगर जोड़ा जाए तो एक दिन में करीब 2,000 रुपए जोड़ लेते हैं। एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन करने के लिए $100 एक शहर में, यानी करीब 8,000 रुपए। ट्रांसपोर्टेशन में दुबई जैसे शहरों में $500 और इंडियन शहरों में करीब 50 रुपए। एक वर्ल्ड टूर कम से कम 2 महीने में किया जा सकता है, जिसमें आपके 25 लाख रुपए तक खर्च होंगे। बस भूल कर भी नॉर्थ कोरिया मत चले जाना। फैक्ट नंबर 3, आपने मैन वर्सेस वाइल्ड के एपिसोड में अक्सर देखा होगा कि बेयर ग्रिल्स अपनी यूरिन ही पी लेते हैं डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। पर क्या ये कदम उठाना सेफ है? हमारे यूरिन में 95% वाटर होता है, 2% यूरिया, 0.03% यूरिक एसिड और बाकी सारे वेस्टेड सॉल्ट्स होते हैं। ये सारी चीजें आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होंगी। और इसका टेस्ट बदबूदार नमकीन पानी जैसा होता है। यूरिन पीना 100% सेफ है, मगर सिर्फ जरूरत के टाइम। यूरिन नहीं पी सकते तो एनिमल पूप से पानी निचोड़ के भी पी सकते हो। फैक्ट नंबर 4, कई लोगों को हाथी की सवारी करना बड़ा पसंद होता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि उससे हाथी की हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है? हाथी को दिन में 10 से 12 घंटे लोगों को बिठा के चलवाया जाता है, जिससे उसके मालिक की मोटी कमाई तो हो जाती है, मगर उसकी हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। हाथी की बैक पूरी तरह से बेंट हो जाती है और उसको लाइफ टाइम ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कई वीडियोस आपको केदारनाथ यात्रा के भी मिल जाएंगी, जहां कई घोड़े सड़क किनारे मरे हुए होते हैं। पूरे दिन इनके ऊपर इंसानों को बिठाया जाता है और पूरे दिन चलाया जाता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं दोस्तों, पॉइंट नीमो धरती पर सबसे रिमोट जगह है। अगर कोई इंसान इस जगह पे आके खड़ा हो जाता है तो सबसे नजदीकी जमीन उससे 2600 किलोमीटर दूर होगी और सबसे नजदीकी इंसान उसे अंटार्कटिका पे मिलेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस जगह से करीब 400 किलोमीटर ऊंचाई पर है, इसलिए टेक्निकली देखा जाए तो सबसे नजदीकी इंसान 400 किलोमीटर दूर ऊपर स्पेस में ISS में बैठे हुए होंगे। नीमो का मतलब लैटिन में होता है नोबडी। इस पॉइंट के आसपास काफी ज्यादा रोटेटिंग करंट रहता है, मतलब मछलियों के रहने के लिए पे ज्यादा खाना नहीं है। इतना दूर होने की वजह से सारी सैटेलाइट्स को यहीं पर गिराया जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।